हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 27 अगस्त 2019 की फिल्म अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहली जो न्यूज़ हमारी आई है वह यह एडवाइजरी बोर्ड ऑन बैंक फ्रॉड्स को लेके, ABF। क्या है ये कंटेक्स्ट, हम देखते हैं। कंटेक्स्ट यह है कि CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, उसने अभी बैंक फ्रॉड को लेके एक एडवाइजरी बोर्ड है उसको वापस से रिकंस्ट्रक्शन है वो किया है। मतलब पहले भी ये बोर्ड बनाया गया था जब बैंक में फ्रॉड ज़्यादा हो रहे थे उसे निपटने के लिए, तो अभी इसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट वो किया गया है। अब देखो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ना, ये RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके साथ मिलके ये बैंक फ्रॉड से निपटने के लिए एडवाइजरी बोर्ड है वो बना रहा है। अभी जो एडवाइजरी बोर्ड है ये क्या करेगा, ये एडवाइजरी बोर्ड है वो बैंक में जो फ्रॉड हो रहे हैं उनसे निपटने से एक डील है, मतलब उनके लिए काम है वो करने वाला है। अब देखो, इसमें वैसे तो अलग अलग क्राइटेरिया रखा गए हैं कि जो जनरल मैनेजर होते हैं और उसके ऊपर की जो पोस्ट होती हैं उनके ऊपर जो एडवाइजरी बोर्ड है वो काम करेगा, गया उसकी रेगुलेशन रहेंगी, ज्यूरिडिक्शन रहेगी एक तरीके से हम बोल सकते हैं। इसी के साथ ही जैसे 50 लाख के तक का जो कोई भी क्राइम है उसके लिए इसमें स्पेशल प्रोविजन रखे गए हैं, तो उतना डीपली UPSC नहीं पूछने वाली है। हमें पता होना चाहिए कि बैंक फ्रॉड्स को लेकर क्या है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए कमेटी है, वो है YM मालेगाम कमेटी। जो YM मालेगाम कमेटी थी ये बेसिकली NPA और जो फ्रॉड्स हैं इनसे निपटने के लिए बनाई गई थी, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। UPSC इस कमेटी के बारे में पूछ सकती है, YM मालेगाम कमेटी जो किस लिए आई थी, NPA यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जो बैंकों में प्रॉब्लम है वो, और इसी के साथ बैंकों में जो फ्रॉड हो रहे हैं, करप्ट घोटाले किए जाते हैं, उनसे निपटने के लिए कमेटी बनाई गई थी। अभी देखो, जो एडवाइजरी बोर्ड बनाया जा रहा है बैंकों के लिए, इसमें 4 मेंबर होंगे और जो मेंबर हैं उनका 2-2 साल का टेन्योर होगा, मतलब 2-2 साल के लिए उनको अपॉइंट है वो यहाँ पे किया जाएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं, आपने देखा होगा YM मालेगाम कमेटी को लेके। एक वर्ड तो आया है यहाँ पे NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एक आया है फ्रॉड्स। इनमें डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। देखो, NPA का मतलब ही है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये मान लो कि किसी भी पर्सन ने बैंक से लोन लिया, ये मान एग्जाम्पल ले लो कि मैंने बैंक से लोन लिया, अब हर महीने मेरी 10-10 हज़ार की EMI आ रही है लोन को चुकाने के लिए। मैं 3 महीने तो चुका रहा हूँ, उसके बाद मैं नहीं चुका रहा हूँ, मतलब 3 महीने तो मैंने EMI चुकाई 10-10 हज़ार रुपये, और इसके बाद में 4थे महीने में EMI नहीं जमा करा रहा हूँ, 5वें भी नहीं करा रहा हूँ, और 6ठे महीने भी नहीं करवाए। मतलब क्या हुआ, मैंने एक 3 महीने EMI जमा करी, यानी कि 90 डेज तक अगर मैं कोई भी EMI जमा नहीं करा रहा हूँ तो जो पैसा मैंने बैंक से लोन लिया था वो NPA में बदल गया है, यानी कि वो पैसा कोई भी बैंकों के लिए परफॉर्म नहीं करे, एक तरीके से वो सरदर्द ही बन गया है। तो ऐसे पैसे को कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी मतलब बैंक से लिया हुआ इनिस कोई भी पैसा है, अगर वो 90 डेज से ज़्यादा टाइम के लिए ओवरड्यू या पेंडिंग रह जाता है तो उसको बेसिकली NPA में कन्वर्ट या NPA में बदल दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। UPSC देखो स्टेटमेंट में कई बार ऐसे पूछ लेती है NPA के बारे में कि NPA है अगर 180 दिन तक आपने कोई भी EMI कुछ भी नहीं चुका हो बैंक का तो वो पैसा NPA में कन्वर्ट हो चुका है। नहीं भाई, 90 डेज में ही कन्वर्ट हो जाता है, 180 तो ऑब्वियसली होना ही होना है। तो आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए। कई बार UPSC ऐसे देती है कि 30 दिन के अंदर आपने EMI नहीं चुका या आपने जो भी बैंक का मूलधन था, प्रिंसिपल था, वो नहीं पे किया है तो वो पैसा NPA हो जाएगा। नहीं, 90 डेज का टाइम पीरियड इसमें रखा गया है। जबकि फ्रॉड है ना, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर आप कोई भी आदमी बैंक में किसी भी टाइप का फ्रॉड या घोटाला करता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, मतलब उस पर कार्रवाई की जा सकती है, वो एक सजा का प्रावधान भी उसमें होता है। तो फ्रॉड अलग चीज़ है, NPA अलग है, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कब कब क्या क्राइटेरिया यहाँ पे है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है यहाँ पे वो आया है वर्ल्ड स्किल्स काजन 2019। देखो, ये बेसिकली 45th एक तरीके से कॉन्फ्रेंस है वर्ल्ड स्किल को लेके, ये आपको मैं बता दूं, जो कि हर जो 2 साल में आयोजित है वो की जाती है। इसका सीधा सीधा मोटो है वर्ल्ड स्किल काजन का। आपको पहले बता दूं कि काजन है क्या। काजन बेसिकली एक सिटी है, कहाँ पे, रसिया में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वहाँ पे इसका फुल वैसे पूरा नाम वही है, काजन एक्सपो इंस्टीट्यूट एक्सीब्यूशन सेंटर इन रसिया। इस सेंटर में बेसिकली वर्ल्ड स्किल की जो कॉन्फ्रेंस है, ये मीटिंग है, आयोजित की जा रही है इस बार। ये आपको यहाँ पे फैक्ट ध्यान में रखना है, काजन है क्या। अब देखो, यहाँ पे एक वर्ड है वर्ड स्किल, तो इसको देख के आप नाम से समझ गए होंगे कि वर्ड स्किल का मतलब क्या है। एक तरीके से लोगों को स्किल प्रोवाइड कराने का इसका मेन फोकस हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। लगभग 70 से ज़्यादा कंट्रीज हैं जो इस प्रोग्राम का पार्टिसिपेट है, उसमें हिस्सा है, वो लेती हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसमें एक तरीके से कंपटीशन है वो आयोजित करवाया जाता है, डिफरेंस जो देश के मतलब अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, प्रोग्राम वगैरह होते हैं।
इसका जो वर्ड स्किल है, इसका मेन काम होता है वोकेशनल स्किल। वोकेशनल का मतलब ये होता है कि आप साथ साथ स्टडी भी कर रहे हो और साथ साथ आप कुछ ना कुछ अर्निंग भी कर रहे हो, मतलब आपको इस तरीके की स्किल दी जाए ताकि आप एक तरीके से बेरोजगार भी नहीं रहो और आप अपने आप को आगे से फ्यूचर भी डेवलप है वो कर पा रहे हो। नॉर्मली देखो इंडिया में गवर्नमेंट है वो 12th क्लास के बाद वोकेशनल प्रोग्राम चलाती है। उसमें क्या होता है, बच्चे अपने खुद की जैसे इनकम है वो भी सिक्योर कर लेते हैं थोड़ी बहुत, और साथ में साथ स्किल है, साथ में उनको एजुकेशन है वो भी उनको कंटिन्यू मिल रही होती है, तो वो होती है एक तरीके से वोकेशनल स्किल। अब देखो जो ये वर्ड स्किल है ना, ये एक इंटरनेशनल, या मैं आपको बोलूँ एक वोकेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन इसका दूसरा नाम भी है, या फिर इसको वर्ड स्किल इंटरनेशनल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि दोनों नाम सेम ही है। वर्ड स्किल क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड में स्किल प्रोवाइड करवाने के लिए काम है वो करता है। हर 2 साल में इसकी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग आयोजित की जाती है, और अभी जैसा मैंने आपको बताया कि रसिया के जो काजान सिटी है वहाँ पे एक एग्जीबिशन या ये प्रोग्राम आयोजित है वो किया गया है। अब देखो ये जो वोकेशनल प्रोग्राम है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ड स्किल का, ये वैसे तो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उस टाइम पे, यानी कि 1940 में स्टार्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि देखो आपको बताया कि 1940 का जो टाइम पीरियड था, जो उस टाइम था, उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम थी, लोगों के पास स्किल की कमी थी और लोग एक दूसरे को, मतलब काफ़ी मारामारी चल रही थी, काफ़ी वर्ल्ड में अनस्टेबिलिटी थी और वर्ल्ड वॉर एक तरीके से चल रहा था। तो जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब देखा गया कि भाई लोगों को एक नई स्किल की जरूरत है ताकि लोग अपने आप से, मतलब किसी पर निर्भर ना रहें और खुद का काम कर सकें, तो कहीं ना कहीं उनको स्किल की जरूरत थी, और इसीलिए इस पर ज़्यादा बाद में फोकस किया गया था। अब ये तो हो गया ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया में भी क्या है, स्किल के लिए प्रोग्राम है वो है, यहाँ पे आपको बताना चाहिए वो है वर्ल्ड स्किल इंडिया। ये क्या है, इंडिया में जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसी का एक इनिशिएटिव है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ये, आपको पता है कि जो स्किल डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री है उसके अंडर आता है, और ये बेसिकली हमारे देश में जो यूथ है इसको डिफरेंट टाइप की जो स्किल है, नए नए तरीके के प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में अवेयर है वो करवाती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है बहरीन के बारे में, तो कंटेक्स्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। कंटेक्स्ट ये था बेसिकली कि भारत के प्रधानमंत्री हैं वो बहरीन की यात्रा पे गए थे, और वहाँ पे लगभग 200 साल पुराना एक हिंदू टेम्पल था श्री कृष्ण जी का, उसके लिए गवर्नमेंट ने फंड है वो अलोकेट किया था। देखो इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये ध्यान रखनी है कि ये मंदिर लगभग 200 साल पुराना, यानी कि लगभग 1817 की समथिंग बना हुआ है, और उस टाइम पे वहाँ पे एक हिंदू कम्युनिटी ही थी जो कि है आज भी है बहरीन में, जिसका नाम है यहाँ पे ताथई भाटिया। ये ताथई भाटिया जो कम्युनिटी बहरीन में है इसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण है वो किया गया था, ये आपको एक फैक्ट ध्यान में रखना है। और एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है बहरीन की लोकेशन, तो वो हम एक बार मैप में देख लेते हैं। देखो ये यहाँ पे आपको बताया, ये हो गया हमारा इंडिया, यहाँ पे पाकिस्तान की लोकेशन है, और ये यहाँ पे फिर आता है जो गल्फ ऑफ ओमान आ गई, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ गई, ये आ गई यहाँ पे पर्शियन गल्फ, और ये यहाँ पे है, आपको दो तीन चीज़ें मैप की खैर बताई देता हूँ। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है पूरा, ये है यूनाइटेड अमीरेट्स अरब, यानी कि दुबई जिसे हम कहते हैं। दुबई बेसिकली यूनाइटेड अमीरेट्स अरब की एक सिटी है, ये आपको ध्यान में रखना है फैक्ट जो आपको पता हो। देखो आपको दिख रहा होगा दुबई, ये यहाँ पे फिर कतर है जिसकी राजधानी दोहा है, और ये यहाँ पे बहरीन दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको, ये दिख रहा होगा बहरीन, जो कि ध्यान रखना आपको एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, मतलब पूरी एक तरीके से टापू टाइप की, हम बोले आइलैंड टाइप की एक कंट्री है जिसकी कैपिटल का नाम है यहाँ पे मानामा। तो ये आपको एक फैक्ट ध्यान में रखना है कि भाई दुबई के, सॉरी जो बहरीन है वो कौन सी कंट्री है, मतलब उसके कौन सी कंट्री का बॉर्डर शेयर करता है, तो किसी भी कंट्री का बॉर्डर इसको टच है वो नहीं करता है। यहाँ पे कतर है जिसमें कतर क्राइसिस आए थे, तो इसके बारे में मैंने, खैर हमने मैपिंग में पहले भी डिस्कस है वो यहाँ पे किया है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। क्या है ये RCEP, वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बात, RCEP के मेंबर हैं वो 16 कंट्री मेंबर हैं। कौन कौन सी? 10 तो हैं आसियान वाली, और 6 कौन सी हैं? 6 हैं, देखो ये आपको ध्यान रखनी है, 3 तो ऊपर से हैं मतलब नॉर्थ के साइड से, जिसमें एक तो आ जाता है चाइना, एक आ जाता है यहाँ पे साउथ कोरिया, और एक आ जाता है जापान, तो 13 तो हो गई ये। अब 3 और बची, तो उसमें एक तो आप याद रखना इंडिया, एक ऑस्ट्रेलिया, और एक यहाँ पे करना है न्यूजीलैंड। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। बेसिकली आसियान में आपको पता है 10 कंट्रीज़ हैं। देखो ये 3 ग्रुप हैं, एक तो है आसियान, मतलब 3 ऑर्गेनाइजेशन, एक तो है आसियान, एक आपको कभी सुनने में मिलेगा आसियान प्लस 3, और एक मिलेगा आपको सुनने में आसियान प्लस 6। तो आसियान प्लस 3 आ जाए ना,
तो उसमें तो आप ऊपर की तीन कंट्री का देना, यानी कि चाइना, साउथ कोरिया और जापान, यानी कि इसमें इंडिया नहीं आता, ये ध्यान रखना है। आसियान प्लस थ्री का मतलब इंडिया इसमें नहीं है। आसियान प्लस सिक्स आ जाए मतलब तीन तो ये ऐड होगी और तीन और ऐड कर देना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये आपको मैंने एक ट्रिक सी छोटी सी मतलब बता दी है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो बात है क्या, जो ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यानी कि आपस में रीजनल ग्रुप है आसियान प्लस सिक्स, ये आपको एक ध्यान फैक्ट हो गया। अब इसमें बेसिकली नेगोशिएशन स्टार्ट हुई थी, मतलब कि ट्रेड को लेके, भाई ट्रेड है आपस में स्मूथ हो सके, आसियान प्लस ये जो 16 कंट्री हैं इनके बीच में ट्रेड है वो काफ़ी स्मूथली हो, इसके लिए काफ़ी नेगोशिएशन चल रहे हैं लगभग 2012 के नवंबर से। मोटो क्या है आरसीईपी का, मोटो ये है कि भाई इस एरिया में जो आज 16 कंट्री है ना, इनमें आपस में ट्रेड है वो काफ़ी अच्छा हो, और जो टेरिफ और नॉन टेरिफ बैरियर है इनको हटाया जा सके, यानी कि यहाँ पे टैक्स वगैरह को कम किया जाए ताकि ट्रेड स्मूथली होगा, तो इन कंट्रीज़ की इकोनॉमी है वो आगे बढ़ेगी। अब देखो इंडिया का इसमें एक छोटा सा कंसर्न है, इंडिया का कंसर्न ये है कि भाई साहब हम चलो बाकी जो कंट्रीज़ हैं इनके लिए तो फ्री ट्रेड, मतलब इनके लिए तो हम फ्री ट्रेड कर सकते हैं कि हाँ फ्री में ट्रेड करो, बट अगर हम चाइना को फ्री ट्रेड में इन्वाइट करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, चाइना काफ़ी सस्ते जो प्रोडक्ट भेजता है वो हमारी कंट्री में आएंगे। इवन हमारी इंडिया की बात नहीं है, और भी कंट्रीज़ हैं जो आसियान की बाकी 15 कंट्रीज बची हैं, उन कंट्रीज़ में अगर जाएगा चाइना का सामान तो क्या होगा, वहाँ का जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि भाई इतनी सस्ते मुकाबले में उनका कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं चाइना को हम फ्री मतलब एक तरीके से इतनी छूट नहीं दे सकते, यानी कि इंडिया का कंसर्न सीधी सी बात मैं आपको बताना चाहूँ तो ये है कि भाई हम बाकी जो कंट्रीज़ है ना, 16 कंट्रीज़ हैं, देखो एक तो इंडिया होगा, इंडिया को तो मतलब 15 बची और 15 में एक चाइना हटा दो, तो इंडिया का कहना है कि हम 14 कंट्रीज़ है ना इनको तो फ्री ट्रेड का मौका दे सकते हैं कि हाँ भाई हम आपके साथ फ्री ट्रेड करेंगे, आराम से सामान इधर उधर मूव कर सकते हो, कोई टैक्स वगैरह वगैरह इन पर लिमिट है वो एडजस्ट हो जाएगी। बट अगर हम चाइना को भी फ्री ट्रेड वाला या नॉन टेरिफ या टेरिफ बैरियर से हटा देंगे, तो फिर चाइना अपने सामान की डंपिंग, या हम बोले कि चाइना अपनी मोनोपोली करने लग जाएगा इस एरिया में, तो बाकी जो और कंट्रीज बची ना 14 हैं, ये आगे ढंग से डेवलप नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये छोटी कंट्री हैं, इनकी इकोनॉमी छोटी है। तो एक इंडिया का एक छोटा सा कंसर्न है इसको लेके, खैर अभी भी नेगोशिएशन आगे चल रहे हैं। तो एक बार हम आरसीपी देख लेते हैं कंट्रीज, देखो बहरीन की लोकेशन हमने यहाँ पे देख ली थी, कतर के पास में, यहाँ पे सऊदी अरब है, इधर ईरान है, ये है आरसीपी। आरसी में देखो ये यहाँ पे न्यूजीलैंड हो गया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, और यहाँ पे इंडिया हो गया, और ये आपको पता है यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे जापान है, और यहाँ पे साउथ कोरिया है, हो गया है। बाकी ये सारी कंट्रीज आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रुनेई है, कम्बोडिया है, एक सेकेंड, यहाँ पे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया आपको पता है ये यहाँ पे फैला हुआ काफ़ी लंबा है इंडोनेशिया, इसके बाद में जापान, कोरिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। तो ये आपको यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, इनका नाम ध्यान में रखना है, सिंगापुर यहाँ पे है, थाईलैंड यहाँ पे है, ये छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, यहाँ पे लाओस है, यहाँ पे ये वियतनाम है इस स्टेप में, खैर वो आगे हम मैपिंग में आगे देख लेंगे। तो आपको आरसीपी के बारे में कुछ फैक्ट हैं वो ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आया है यहाँ पे रोस्टोम को लेके। देखो कंटेक्स्ट क्या है वो हम अभी पहले वो देख लेते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि रसिया ने एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया था जिसका नाम था यहाँ पे अकेडमिक प्रोकोमोनोसो, थोड़ा नाम रशियन लैंग्वेज में है तो प्रोनाउंसिएशन में कुछ मिस्टेक हो सकती है, वैसे आप ये ध्यान रखना अकेडमिक लोमोनोसो ये इसका नाम है, जो कि वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर फ्लोटिंग मतलब ये एक तरीके से जहाज में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया है। इसका मोटो क्या है, इस पावर प्लांट को बनाने का मोटो यह है कि रसिया के जो दूर दराज के एरिया हैं जहाँ पे भाई लाइट की सप्लाई नहीं हो सकती, उन एरिया में शिप के थ्रू पानी मतलब पानी में जहाज जाएगा और फिर वहाँ पे जो लाइट की सप्लाई है वो की जा सकेगी, ये इसका बेसिक मोटो यहाँ पे आपको रखा गया है, ये मैंने आपको कंटेक्स्ट बता दिया, ये न्यूज़ है बेसिकली। अब हम बात करते हैं रोस्तोम। रोस्तोम है वो बेसिकली रशियन गवर्नमेंट की एक स्टेट रन ऑटोमेटिक एनर्जी कॉरपोरेशन है, ये आपको ध्यान, ऑटोमिक सॉरी एनर्जी कॉरपोरेशन है, यानी कि परमाणु ऊर्जा का एक ऑर्गेनाइजेशन है रसिया का, रशियन गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, तो इसके द्वारा इस अकेदमिक लोकोमोनोसोव का निर्माण है वो किया गया था। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो ये वर्ल्ड है ना मतलब ऑल ओवर कंट्रीज हैं, इनके अंदर एकमात्र ये रोस्तोम ऐसा कॉरपोरेशन है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को लेके मतलब प्रमोट भी करता है, और उसके लिए डिफरेंट जो सॉल्यूशंस है वो लेके आता है, इंटीग्रेटेड प्लांट्स भी बनाता है ताकि लोगों को क्लीन जो हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी है वो मिल सके, और न्यूक्लियर सप्लाई चेन है इसको रेगुलेट भी करता है, यानी एकमात्र ऐसा ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इतने काम सब करता है।
और बेसिकली यह ऑल ओवर वर्ल्ड में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं इनकी डिजाइन कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से इनके ऑपरेशन चलेंगे, और न्यूक्लियर जो यूरेनियम है इसकी माइनिंग कैसे होगी, किस तरीके से उस माइनिंग के बाद जो न्यूक्लियर रहेगा, रो न्यूक्लियर मतलब जो यहाँ पे यूरेनियम वगैरह जनरेट होता है उसको किस तरीके से न्यूक्लियर फ्यूल में कन्वर्ट किया जाएगा, ये सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट यूरेनियम रिजर्व है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के पास है ऑल ओवर वर्ल्ड में। और वर्ल्ड के जो 40% न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर जो मार्केट हैं वो बेसिकली इसी रोस्टोम जो कि रशिया का एक एनर्जी कॉरपोरेशन है इसके द्वारा रेगुलेट या इसके अंडर है वो आते हैं। तो ये आपको कुछ फैक्ट हैं वो यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। तो ये थी गाइस आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। अगर देखो वीडियो में आपको कोई कमी लग रही हो, कोई सजेशन हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी सजेशन है वो आप जरूर प्रोवाइड करवाएं। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।